प्रभारी सचिव अशोक शाह का पहला एक दिवसीय दौरा हुआ, जहां सचिव ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की और विभागों को सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के कलेक्टर ललित दाहिमा के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कमला सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार की तर्ज पर प्रत्येक जिले में प्रदेश सरकार की ओर से एक सचिव नियुक्त किया है। वहीं प्रभारी सचिव ने कहा कि सरकार चाहती है जिलेवासियों की किसी भी समस्या का निराकरण जिला प्रशासन ही करे, लोगों को समस्याओं के हल के लिए कहीं जाना ना पड़े। सरकार की इस पहल से लोगों को काफी राहत मिलेगी। जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रभारी सचिव की व्यवस्था पुनः शुरू की है, उसका उद्देश्य ये है कि जिले में विकास की गति को बढ़ावा देना, तेज करना, समस्याओं का निराकरण वहीं करना, और जो योजनाएं चल रही हैं, जो बड़ी और छोटी हैं, उस पर शीघ्रता से काम करना, और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अवरोध हो और कोई समस्या हो तो उसको दूर करना का काम है, ताकि प्रशासन जो है एफिशिएंट बने। सरकार चाहती है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंट हो और समस्याओं का निराकरण वहीं हो।